नमस्कार दोस्तों, हेल्थ कोच अजय चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भाई अजय। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू बुखार के बारे में कि डेंगू बुखार क्या होता है, कैसे होता है। तो डेंगू एक आम तरह वायरल का इन्फेक्शन है जो मच्छरों द्वारा फैलता है और आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। डेंगू बुखार, जिससे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, यह एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। यह तब होता है जब वायरस वाला एडिस मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तब यह बीमारी देखने को मिलती है। यह डेंगू बुखार एक कष्टदायक, शरीर को कमजोर करने वाला मच्छर जनित रोग होता है और जो लोग एक बार डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाते हैं उनमें गंभीर बीमारी विकसित होने के काफ़ी अधिक जोखिम होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, डेंगू के लक्षण कौन कौन से होते हैं। डेंगू के बुखार के लक्षण जो आमतौर पर संक्रमण के 4 से 6 दिन बाद शुरू होते हैं और 10 दिनों तक रहते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं जैसे कि अचानक तेज़ बुखार आना, 105 डिग्री से अधिक बुखार होना, तेज़ सिर दर्द होना, थकान महसूस होना, जी मचलाना, उल्टी आना, आंखों के पीछे वाले एरिया में दर्द होना, दस्त लगना, हल्का रक्त स्राव होना जैसे कि नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना आदि, इनके कई लक्षण देखे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं उनके बारे में। आप संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहते हैं तो उनसे आपको डेंगू नहीं होगा, जबकि आपको डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। जब संक्रमित मच्छर अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो वायरस उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है और संक्रमण का कारण बनता है। और यह जिस व्यक्ति को डेंगू है उसे काटने के बाद दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काट देता है तो इसके लक्षण उसमें भी दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे डेंगू का रूप ले लेता है। जब कोई मच्छर एक बार संक्रामक हो जाता है तो वह अपने पूरे जीवन के लिए वायरस को प्रसारित कर सकता है। ऐसे मच्छर जिनका नाम है एडिस एजिप्टी मच्छर। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। डेंगू संक्रमण की पहचान के लिए करने के लिए किए जाने वाले परीक्षण इस प्रकार होते हैं। डेंगू के लिए एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, IgM एंटीबॉडी टेस्ट किए जाते हैं, IgG टेस्ट किए जाते हैं, RT-PCR टेस्ट आदि कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं डेंगू का पता लगाने के लिए। दोस्तों डेंगू से बचने के लिए कई रोकथाम भी होते हैं, उन्हें अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। हमारा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे, और अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।